नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन फिर से एक न्यू स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना सुंदर और इतना अच्छा लिखा है कि बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट वीडियो को ढंग से देखते हैं उन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती, और वो स्टूडेंट्स जो वीडियो को देखकर उसके डायरेक्शन के साथ में डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखते हैं दोस्तों, इन्होंने जो क्या क्या बनाया वो देखें, किस टाइप से इन्होंने लिखा और कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल भी कहीं मेरे को इसमें कहीं मिस्टेक नहीं दिख रही है। दोस्तों, अपन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब इसको अपन चेक करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, क्या सही लिखा, गए सही लिखा, गए भी इन्होंने सही लिखा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बिल्कुल शानदार लिखा है इन्होंने, बिल्कुल जितने भी वर्ड्स इन्होंने लिखे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वर्ड्स इन्होंने परफेक्ट बनाए। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस टाइप से आप लोग वीडियो को पहले पूरा सुने और उसकी जो डायरेक्शन मैं बताता हूँ उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप शब्द को लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही लिखा है इन्होंने। ध है इसको आप थोड़ा सा क्या फैला के लिखो, तो जो आपका यूं करके यूं हो रहा है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे आपने कर रखा है तो इस टाइप की गलती भी नहीं होगी। बाकी आपने अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड। ये अपने लोकेश कुमार जी का होमवर्क है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्या क्या बनाया है, बहुत ही इसी टाइप से। देखते हैं क्षेत्र, जो आप त्रय बना रहे हो तो इसको आप ऐसे मत बनाओ, ये लाइन पे बना रहे हो ना आप, ये लाइन अपनी, तो यदि आप इस पे लाइन पे इस टाइप से बना रहे हो तो गलत हो जाता अपना। बिल्कुल आपने जो ये बनाया है ये बिल्कुल इस टाइप से बनाया है, ये बिल्कुल सही बनाया है आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने लिखा है, आपने इस पे भी सही बनाया। स्वय, हाँ, तो स्वय में जैसे धैमे बताया मैंने, इसी टाइप में स्वय में भी थोड़ा सा यू फैला के लिखो आप, तो ये जो आपकी इस टाइप की मिस्टेक आ रही है ना, छोटी छोटी हल्का सा थोड़ा सा तिरछा घूम रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपने जितने वर्ड्स बनाए ये बहुत अच्छे बनाए, तो आप नेक्स्ट बिना मात्राओं के शब्द बनाकर होमवर्क भेजे। ये लोकेश कुमार जी ने जो होमवर्क किया है ये वन टाइम में इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो को पहले पूरा सुने, जो अक्षरों की डायरेक्शन बताई जाती है उसको आप देखते हुए ही अक्षर लिखेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मात्र 8 दिन में आप आराम से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है जो पैड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में महेंद्र कुमाऊत जी का अपन होमवर्क चेक करते हैं। दोस्तों, अब इन्होंने जो कैके बनाया इन्होंने भी बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने परफेक्ट बनाया है। तो गे की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें और यो थोड़ा ऊपर से लें, तो जो यो आपका यो हो रहा है तो ये इस टाइप से नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से यो गुंडी बनाते हुए इसकी गे की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी आपके वर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा आपने लिखा। इसी टाइप से जो तय बना रहे हैं तो तय की भी आप देखो, ये लाइन अपनी, तो तय और थे दोनों का मैं बता रहा हूँ आपको, ये यो बना के यो बनाइए, ये अपना तय हो गया और थे को यो बनाइए, आप बना रहे हो यो करके लाइन पे इस टाइप से, तो आप वीडियो में ढंग से देखे तो इस टाइप से नहीं बनेगा, और थे भी आप इस टाइप से यो बना रहे हो। बिल्कुल जो ये गुंडी है आपकी, छोटी सी गुंडी आती है, तो ये गुंडी आपको लाइन पे सिर्फ टच करनी है, थे की हो या थे की हो इस टाइप से आपको लिखना है। बाकी वर्ड्स आपने बहुत अच्छा बनाया, परफेक्ट लिख दिया इस बार आपने, और साथ में आप डायरेक्शन भी लिखा करो जिससे आपको ये पता रहे कि ये वर्ड्स या ये अक्षर इस डायरेक्शन में बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे आपने बनाया है बिना मात्राओं के शब्द, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने लिखा है,
कोई दिक्कत नहीं है। नकल, बिल्कुल परफेक्ट लिखा। सरपट, बिल्कुल शानदार लिखा आपने। घटपट, बिल्कुल सही लिखा आपने। डरकर, बिल्कुल सही लिखा आपने। कसरत, बहुत अच्छा आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से ये जो स्टेनो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं कहीं पे जल्दीबाजी कर देते हो। अब इसको आपने सही से गुंडी नहीं बनाई, यहाँ पे इनमें गुंडी सही से नहीं बनाई आपने। बिल्कुल ये गुंडी बना के और इस टाइप से लिखे, फरकर। तो ये फरकर वर्ड नहीं होगा, भरकर वर्ड होगा मेरे हिसाब से। तो आप भ और र कर इस टाइप से लिखे। और आप जब पल पल इस वाले पल पल में देखें, यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, बाकी आपके पल पल वर्ड्स सब कुछ ओके है। दोस्तों रणथंभौर क्लासेस में आपकी जो कॉपियाँ हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से चेक की जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से आगे देखते हैं। ये जो वर्ड्स आपने AI की मात्रा बनाई, ये भी आपने परफेक्ट बनाई है। तो दोस्तों जब भी ई बनता है आपका, बारीकी से कॉपी चेक करी जाती है, क्योंकि यदि आपका बेसिक सही नहीं है एकदम, तो फिर आगे जाके आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों AI तो बिल्कुल सही है। जो ई बना रहे हो आप, इसमें जो डॉट वोट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ छोटी ई बड़ी दोनों में सिर्फ ये लगा के छोड़ दो। ये अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। जब आप फोर्थ फिफ्थ क्लास देखोगे तब आपकी ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। वो में थोड़ा सा यो बना हुआ, यो स्टील पिन की तरह। ए दोनों सेम रहेंगे, इस टाइप से मात्रा लगानी है आपको। ये मात्रा लगानी है आपको, इस टाइप से बनेगा। ओ में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ओ बनाया यूं बस, ओ की एक ही मात्रा लगानी है, छोटा हो बड़ा हो। क्योंकि ये चीज आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास में अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो जैसे अपन लिखे कि मूली, तो दोस्तों जब मैं और ली ये बनाया मैंने, तो ये उ की मात्रा लगा दी, ये इ की मात्रा लगा दी, मात्रा दोनों सेम ही लगाई मैंने। तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे इसको, मूली 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 थोड़ी होता है, मूली मूली। तो बड़ी उ की मात्रा ही आप लगाओगे, सेंटर जब शब्द बनाते हैं तब समझ में आ जाता है। दोस्तों इस पे आप थोड़ा ध्यान दें, बाकी आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। ये होमवर्क है पूर्णिमा राठौर। दोस्तों इन्होंने चैप्टर नंबर 8 की स्टेनो बनाई है, फिर इन्होंने हिंदी की है। अब अपन देख सकते हैं, एक बार आदमी और शेर में तकरार हुई। देखो दोस्तों तकरार हुई, बिल्कुल इन्होंने शब्द को बारीकी से बनाया, बिल्कुल छोटे शब्द बनाए, ज्यादा बड़े भी शब्द नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल एकदम मीडियम साइज के शब्द बनाए। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, इनके जो वर्ड्स बनाए इन्होंने, मात्रा जोड़ के लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पहले ये मात्रा जोड़ के नहीं लिख रहे थे, बाकी इस बार इन्होंने मात्रा जोड़ के लिखी, तो स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पूरे चैप्टर में स्टेनो सही बनाई है, एकदम बिल्कुल सही बनाई है। बहुत ही अच्छा होमवर्क करके इन्होंने भेजा है, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा होमवर्क करके इन्होंने भेजा है, गुड। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आपकी इस मंथ के अंदर अंदर आपकी 70+ की स्पीड आराम से आ जाएगी। क्वेश्चन वाचक, आप यहाँ पे क्वेश्चन वाचक को क्वेश्चन वाचक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्वेश्चन वाचक पूर्ण विराम का सिंबल अपना ये होता है, तो क्वेश्चन वाचक में अपना सिंबल डॉट लगा देते हैं। अदरवाइज आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं, कवि किताब, ये यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे के लिए का सिंबल बताया गया था इस टाइप से, ये होता अपना के लिए, ये होता अपना के लिए। जबकि किस लिए कैसे आता अपना, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे आता है किस लिए। तो यहाँ पे आपने छोटी सी एक गलती करी है, तो इस टाइप की मिस्टेक्स पे आप ध्यान दें।
बाकी सही है आपका। कठिनाई लिखना पढ़ना। अब यहां पे देखते हैं, आपने लिखा है कब तक, कब था, इन्होंने जितने भी वर्ड्स लिखे बाकी इन्होंने परफेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही से इन्होंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस वर्ड को एक बार आप देखें, क्या ये आपने लिखा है, इसको चेक करें आप, बाकी आपने बिल्कुल सही बनाया है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते रहें, आगे अपन देखते हैं। आगे आपने बनाया है, होते ही लोगों के साथ देखने को खुद गए, होते ही लोगों के साथ खुद देखने गए, सैकड़ों आदमी जमा थे, एक बावला सा संत सहतीर के पास आया। बिल्कुल परफेक्ट बनाया आपने, जितनी भी स्टेनो बनाई है आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, बस आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपने बनाया और उसके, आप यदि पहले कम से कम 15 से 20 वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, क्योंकि और क्या का सिंबल छोटा है, तो क्योंकि और क्यों, क्यों का भी सिंबल बड़ा आएगा, और राज्यपाल इस टाइप से लिखेंगे अपन। आप दिया वर्ड लिख रहे हो पूरा, तो दिया वर्ड्स को इस टाइप से नहीं लिखे आप, दिया बस सिंपल, दिया दिए, और दिया है आएगा तो यो घुमा के दिया है, और दिया था इस टाइप से बनाएंगे अपन। तो आप पहले क्लासे देख लें और डायरेक्ट मतलब स्पीड वाले वीडियो पे नहीं आए तो आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, और आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट 100% होगा। तो आपने जितना भी होमवर्क किया वो बहुत अच्छा किया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसी टाइप से हर स्टूडेंट की कॉपियाँ चेक की जाती है। तो दोस्तों हर स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक का वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको लिख के भेज देता हूँ कि यहाँ यहाँ आप लोगों की गलतियाँ हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि मेरी कॉपी का वीडियो नहीं बन पा रहा, तो कभी कभी आपकी कॉपी का भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो पर डे हर कॉपी का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आपको 9610810892 पर कॉल कर सकते हैं।